વાપીમાં નેશનલ હાઈવે નજીક આવેલા એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા મોહમ્મદ આમીન નામના વેપારીના કારના કાચ તોડી 8 જેટલા માથાભર એ સમયે વેપારીના ત્યાં નોકરી કરતા દંપતીને માર મારી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપતા ચકચાર મચી ગઈ છે. નેશનલ હાઈવે નંબર 48 નજીક યુનિયન બેંકની બિલ્ડિંગમાં ઉપરના માળે રહેતા મોહમ્મદ અમીન રાત્રે 11 વાગ્યાની આસપાસ પોતાના ઘરે આવ્યા હતા અને તેમની કારને બિલ્ડિંગના પાર્કિંગમાં પાર્ક કરી ઘરે ગયા હતા. તે દરમિયાન કેટલાક અજાણે એસમો તેમની મોગીદાટ કારના કાચ તોડીને નુકસાન પહોંચાડી નાસી છૂટ્યા હતા. જોકે એ જરસામાં તેમને ત્યાંથી નોકરી કરતા મોહમ્મદ રફીઉલ્લા નામના એસમે તેને જાણ કરી હતી કે તેમના ઘરે 8 જેટલા લોકોએ આવીને તેમને માર મારી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી છે. હુમલાખોરોએ તેમની પત્નીને પણ મારે શેઠને ફોન કરવા જણાવ્યું હતું, જે બાદ ત્યાંથી નાસી છૂટ્યા હતા. આ ઘટનાથી ગભરાયેલા મોહમ્મદ અમીને તાત્કાલિક 100 નંબર પર ફોન કરીને વાપી ટાઉન પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે, જેમાં તેમના કર્મચારીના ઘરે જઈ મારી નાખવાની ધમકી આપનાર ઝાકીર ખાન, સાકીર ખાન, સાદિદ ખાન અને મુસીર ખાન અને બિટ્ટુ નામના માથાભાર એસમો સહિત 8 સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે. ये मसला में है ना ऐसा है कि रात को मैं है ना 11:30 के करीब ना आया हूँ, गाड़ी अपनी पार्किंग किया हूँ. पार्किंग करके जब मैं अपने घर गया हूँ, उसके 15 से 20 मिनट के बाद कुछ है ना अज्ञात लोग है ना आए हैं, मेरे गाड़ी को तोड़ के है ना यहाँ से है ना भागे. जब तक मैं नीचे उतरा हूँ तब तक यहाँ से कोई फरार हो चुके थे. मुझे कोई आदमी दिखाई दिया नहीं. जो भी है ना है बैंक के CCTV कैमरे के अंदर है ना होगा. उसके बाद मेरा तो किसी से कोई लेना देना है नहीं, किसी से मेरी कोई झगड़ा है नहीं, किसी से कोई मेरा लड़ाई है नहीं. तो मेरी गाड़ी तोड़ने का क्या मकसद था और क्यों है ना आए थे? कुछ अज्ञात लोग ने ना आके मेरी गाड़ी को क्यों तोड़ा, मुझे इसका है ना खाली है ना जानकारी है ना चाहिए. तो मेरे हाँ हमने पुलिस कंप्लेंट हमने की है ना है. पुलिस कंप्लेंट के जो जो लोगों का नाम हमारे सामने है ना आया, उन लोगों का हमने है ना नाम लिखा. प्लस यहाँ से गाड़ी तोड़ने के बाद मेरे वर्कर के घर पे जाके मेरे वर्कर के है ना वाइफ को और मेरे वर्कर को दो दो झापड़ मार के उनको जान से मारने की धमकी दे के है ना. ये लोग एक जाकिर खान करके था, एक साकिर खान करके था, एक है ना साजिद खान करके था, एक है ना वसीम खान करके था, मुसीर खान करके था, बाकी को एक बिट्टू करके था. बाकी के अन्य लोग उनके उसके साथ में कितने थे, ये 5 का नाम मेरे सामने है ना आया. ये 5 का नाम की मैंने अर्जी दिया हूँ पुलिस स्टेशन में. अभी वेक्स वेगन की गाड़ी है ना, कॉस्टली गाड़ी है ना, कॉस्टली गाड़ी के अंदर कॉस्टली के हिसाब से है ना इसका नुकसान करके 1,00,000 रुपये जितना नुकसान मेरे गाड़ी का है ना हुआ है. हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी है ना हो. हमारा अगर किसी के साथ कोई बैर होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, मारा मारी है ना होती, तो हमको है ना समझ में आता कि भाई हमारी गाड़ी तोड़ के गए. हमारा तो किसी के साथ कोई लेना देना था ही नहीं. तो हमको है ना हमारी गाड़ी तोड़ने का क्या मकसद से है ना आए थे, आखिर को क्या है इसका रिजल्ट था? क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक साहब. आपके साथ क्या हुआ साहब? रात में लोग 11:30 बजे के टाइम आए मारने के लिए. वहाँ पे 8-10 जन आए थे मारने के लिए. कौन कौन आए थे और किसके लिए मारा था ये तो नहीं मालूम साहब, लेकिन उन लोग आए थे. नाम तो उनके उसमें से एक सादिक नाम है जाग